आजकल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ना बहुत ही मुश्किल काम है। पहले पूरे घर के काम करो, उसके बाद टाइम निकाल के बच्चों का वेट करो। बच्चे आते नहीं है कभी भी टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ ले आई आप? टाइम मिल गया आपको पढ़ने का? हाँ टाइम तो मिला है। मिलता रहता है। हाँ सही बात है, मोबाइल चलाते रहते हैं बच्चे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मोबाइल चला रही हूं। चलो ऐसे करते हैं, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गया है। तो आज का हमारा चैप्टर है नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ। हाँ बोलो क्या हुआ? उल्टा सीधा खा लिया होगा? नहीं मिस, मैंने उल्टा सीधा नहीं खाया। तो फिर ऐसा करो कि तुम ना वॉशरूम होके आ जाओ। मिस आपको पता है मैं मम्मा से चुप चुप के सारी चीजें खा लूंगी। बहुत अच्छा काम करती हो। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। जाओ हरी अप। अच्छा नहीं कब आएगी ये बच्ची लेट? तो टाइम पे आते नहीं है। फिर वॉशरूम भी जाना है, पानी भी पीने जाना है, ये भी करना है। आ गई मैं। आ गई मैं। मैं सबक पढ़ाना शुरू करती हूँ। अब शुरू करें? अब तो कोई लगता नहीं है। नहीं तो नाउन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस। हाँ मिस, वो ना क्या हो रहा है कि मेरे पेट में ना बुलबुल हो रहा है, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ। ठीक है। अभी 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 तो आप वॉशरूम गई थी? हाँ गई तो थी, लेकिन बुलबुल हो रहा है ना, क्या मतलब है? अच्छा वो ना मैं कह रही हूँ, वो मैं वॉशरूम नहीं गई थी। वो ना मैं जब वॉशरूम गई थी ना, तो ना मैंने नल खोला था, तो मुझे ना पानी पीने का दिल चाह रहा था। मैंने पानी देख लिया था, मैंने सोचा कि मैं ना जब मिस मुझे दोबारा भेजेंगी तो मैं दोबारा पी लूँगी। तो वॉशरूम नहीं गई? नहीं। क्या करूँ मैं, अल्लाह। जाओ वॉशरूम हो के आओ जल्दी से। Thank you.
आ रहा है, पता नहीं एक चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा ना। जल्दी करो करो जल्दी। Hello।